फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे इंग्लिश गुरु और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ नरेशन में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट। जैसा आप सभी जानते हैं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का जो भी टेंस होता है, जो भी वर्ब फॉर्म होते हैं, उससे हम दूसरे टेंस में, यानी कि अगर प्रेजेंट में होते तो हम उसे पास्ट में चेंज कर देते हैं। लेकिन कुछ स्थिति आपको ऐसे मिलेगी जहां पे आपको टेंस चेंज नहीं करना होता है, तो आज इस वीडियो में मैं वही आपको बताने वाला हूँ कि कैसे उसे हम रखते हैं और कौन कौन से सेंटेंस आपको मिल जाए जिसे हम टेंस चेंज नहीं करेंगे जब हम उसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां देखेंगे कि इफ द सेंटेंस डिनोटिंग यूनिवर्सल ट्रूथ, जनरल ट्रूथ, प्रोफेशनल ट्रूथ, सॉरी प्रोवर्बियल ट्रूथ, हैबिचुअल फैक्ट और हिस्टोरिकल फैक्ट। अब देखिए, कहने का मतलब हुआ कि अगर इतना सारा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको दे दिया जाए, The tense of reported speech does not change. तब reported speech का जो tense होता है वो change नहीं होता है। जैसा आप जानते हैं कि अगर universal truth दे दिया जाए, जैसे अगर बोल दिया जाए आपको कि the sun rises in the east, सूरज पूरब में उगता है, अगर ये inverted comma के अंदर दे दिया जाए तो अगर आप इसका tense change करते तो meaning change हो जाएगा, क्योंकि ये एक universal fact है जो कि हमेशा, it means आज उगता है, कल भी उगता था और परसों भी उगता रहेगा, इट मीन्स एक कंटिन्यूअसली जारी रहेगा, इसलिए हम इसका टेंस चेंज नहीं करते हैं। तो याद रहेगा आपको कि ये सारी चीजें अगर कभी भी आपको सेंटेंस में मिल जाए तो आप उसका टेंस गलती से भी चेंज नहीं करेंगे। चलिए हम सारी चीज का एग्जांपल के थ्रू आपको बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम चेंज करेंगे। पहला एग्जाम्पल आपके सामने है कि द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, कैसे बनेगा देखेंगे। नॉर्मल चेंज हम करते जो करेंगे, द टीचर सेड को हम यहाँ पे टोल्ड नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। जब सेड टू प्लस ऑब्जेक्ट होगा तब वो टोल्ड में हमारा चेंज होगा। सेड ये दोनों रिमूव हो जाता है और इसके बदले हम डैट लगाते हैं। अगर जिन्होंने इसके बेसिक वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के पहले आप वो सारे बेसिक वीडियो देखिए, तब ये ज्यादा अच्छा से समझ में आपको आएगा। डैट और कुछ नहीं करना है, बस इन्वर्टेड कॉमा हटाकर पूरे सेंटेंस को हमें लिख देना है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। क्लियर? बहुत ही इजी होता है बट बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें कि क्यों चेंज ना करेंगे, तो मैंने आपको बता दी कि क्यों चेंज नहीं करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट है, ही सेड टू एंड टू इज फोर। देखिए, टू एंड टू इज फोर, आप कभी भी बोलो, बहुत पहले भी टू एंड टू इज फोर था, आज भी टू एंड टू इज फोर है, आने वाले टाइम में भी आपका टू एंड टू इज फोर होगा। तो पता चल गया कि इसका टेंस हम कभी चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये परमानेंट ऐसे ही रहता है, एक जनरल फैक्ट है, जनरल ट्रुथ है। तो करना क्या है, ही सेड दैट, और बाकी ये पूरा सेंटेंस हम उतार देंगे, टू एंड टू इज फोर। क्लियर? टू एंड टू मेक्स फोर भी लिखा रहता है बुक में, ये भी देखेंगे, एंड टू मेक फोर भी रहता है, और भी लगा होता है। ये आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का चैप्टर में आपको पढ़ना है कि इज क्यों होता है और आर क्यों होता है, दोनों इसके साथ वैल्यू वेरी करता है कि दोनों को हम वेरीफाइड कर सकते हैं, इज भी लगा सकते हैं और आर भी लगा सकते हैं। तो देखेंगे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में डिटेल में। आवर टीचर सेड क्या चेंज होगा, आवर टीचर सेड दैट, देखेंगे हिस्टोरिकल फैक्ट है जो कि पहले घटित हो चुका है, ऐसा नहीं कि पास्ट इनडेफिनिट टेंस आप नहीं देखेंगे, आप देखेंगे कि ये पास्ट इनडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है बट इससे हिस्टोरिकल फैक्ट के बारे में पता चल रहा है। तो क्या करेंगे हम, बस पूरा का पूरा ज्यों का त्यों लिख देंगे, इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947। क्लियर? तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। कुछ और मैं आपको एग्जांपल्स इसके बारे में बताता हूँ कि कौन कौन से एग्जांपल्स आपको और फॉलो करने हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है डियर आपका, माय फादर सेड रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। देखेंगे तो ये एक प्रोवर्बल्स आपके फैक्ट्स होते हैं, एक प्रोवर्ब्स में आपको कहा जाता है कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। कब कहते, ये भी मैं बता दूं आपको कि जब आप कोई काम करने में जल्दी जल्दी करते हैं और बोलते यार हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा, हो नहीं रहा है, तो एट दैट वेरी मोमेंट कोई आपसे कहता है कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, इट मीन्स रोम एक दिन में नहीं बना था, बहुत सुंदर ब्यूटीफुल सिटी है इसलिए उसे कहा जाता है कि रोम एक दिन में नहीं बना था। इट मीन्स कोई भी मुश्किल, जो भी अच्छी काम होती है वो टाइम लेता है करने में,
अगर उस तरह के फैक्ट आपको दे दिए जाते हैं तब इन्हें हम कहते हैं प्रोवर्बियल फैक्ट। तो माय फादर सेड, फिर से हम टोल्ड चेंज नहीं करेंगे, क्लियर। माय फादर सेड दैट सॉरी रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कब कब आपके टेंस जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होते चेंज नहीं होंगे। सेकेंड कंडीशन आपका कहता है कि इफ द इम्प्रोवेबल और हाइपोथेटिकल सेंटेंस, वैसा सेंटेंस जो सिर्फ आप इमेजिन करते हैं कि ऐसा हो जाए बट वो होने वाला नहीं है, वैसा भी सेंटेंस अगर आपके इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हो तो उसका टेंस आप चेंज नहीं करेंगे। साथ ही साथ इसमें मैंने एक और लिखा है कि अगर पास्ट में कोई दो काम एक ही साथ जारी रहा हो तब हम उसका टेंस चेंज नहीं करते हैं। इट मीन्स पहले वाले में हमने देखा यूनिवर्सल फैक्ट हो गया, हैबिचुअल फैक्ट हो गया, जनरल फैक्ट हो गया। सेकेंड कह रहा है आपका कि हाइपोथेटिकल सेंटेंस हो या वैसे सेंटेंस हो जिसमें दो एक्शन हो और दोनों भूतकाल में एक ही समय हो रहे हो। तो मैं पढ़ के आपको बता दूं कि इफ द इम्प्रोवेबल और हाइपोथेटिकल सेंटेंस एंड द सेंटेंस हैविंग टू एक्शंस टेकिंग प्लेस एट द सेम टाइम द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच डज नॉट चेंज। हमने यहां पे थोड़ा कम लिखा है कि ए अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहे, इतना चीज एटमीन्स दो तरह के सेंटेंस आपको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहे तब हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करते हैं। देखिए एग्जांपल के थ्रू जरा, शी सेड आई वाज रीडिंग व्हाइल माय सिस्टर वाज प्लेइंग। तो देखिए इसमें दो एक्शन हो रहे हैं कि दोनों पास्ट में कंप्लीट हो रहा है, एक ही साथ घटित हो रहा है। तो कैसे चेंज होगा, शी सेड दैट, देखेंगे फर्स्ट पर्सन है तो पर्सन हम चेंज करेंगे, शी वॉज नहीं चेंज होगा क्योंकि अगर चेंज कर दे तो वॉज हैड बीन में चेंज होता है, लेकिन यहां पे हमें बताया गया है कि इस तरह के टेंस हमें चेंज नहीं करने हैं। क्या लिखेंगे, रीडिंग वाइल माई सिस्टर, तो क्या हो जाएगा, माई इसके अनुसार आएगा तो ये हो जाएगा हर सिस्टर, हर सिस्टर वॉज प्लेइंग। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, शी सेड टू मी इफ आई वर अ वर्ड आई वुड फ्लाई टू यू। वो मुझसे कहती है या उसने मुझसे कहा कि यदि मैं पंछी होता तो आपके पास उड़ के चला आता। तो देखेंगे शी, अब यहां पे सेड टू है, ये टोल्ड में हमारा चेंज होगा, दैट इफ शी वर, ऐसा नहीं कि हैड बीन कर देंगे, वो आपका गलत हो जाएगा। अब बर्ड फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो शी अंदर जाएगा, शी वुड फ्लाई, शी वुड फ्लाई टू, देखेंगे यू ऑब्जेक्टिव केस में है तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो ये हो गया हमारा मी। तो ये थे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप गलती से चेंज कर देते हैं जो एक्चुअली में चेंज नहीं होना चाहिए था, और ये दिक्कत आप करते हैं वाइल डूइंग प्रैक्टिस। तो आज से शुरू करेंगे कि अगर इस तरह के सेंटेंसेस हमें मिल जाते हैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर तो हम गलती से भी उसका टेंस चेंज नहीं करेंगे। बस ध्यान ये रखना कि किसका किसका टेंस चेंज नहीं होता है। ऐसा नहीं कि आई गो टू स्कूल टूडे इसका चेंज नहीं होगा, इसका चेंज होगा, लेकिन एक चीज याद रखेंगे कि आई गो टू स्कूल अगर हम आप बोलते हैं, टूडे लगा है तो शायद आई थिंक चेंज आप कर सकते हैं, लेकिन आई गो टू स्कूल डेली लगा दे तब नहीं चेंज होगा। क्यों, क्योंकि ये हमारा हैबिचुअल फैक्ट हो जाएगा, आई गो टू स्कूल डेली, मैं डेली स्कूल जाता हूं, इट मीन कल भी गया था, आज भी गया हूं और कल भी जाऊंगा। तो इस तरह के सेंटेंस आप देखेंगे चेंज, उसका टेंस आप कभी भी नहीं करेंगे। एंड कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं हमें कि क्या इसमें कंफ्यूजन रह गया, क्या इसके बावजूद आपसे सेंटेंसेस नहीं बन रहे हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपको लगा कि हमने इससे कुछ सीखा है तो शेयर कर दीजिए ताकि कुछ और लोग, कुछ और फ्रेंड्स आपके सीख सके। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इन फ्यूचर आपको इसी तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल जाएंगे। और डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत दिन से लोग व्हाट्सएप बोल रहे थे, तो मैं व्हाट्सएप का चूंकि यूज नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि व्हाट्सएप में अगर ढेर सारे लोग हो जाएंगे तो थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए मैंने टेलीग्राम का ग्रुप बनाया है। अगर आप चाहते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना
तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, उसके थ्रू हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और कोई भी प्रॉब्लम अपनी हो वो आप पोस्ट कर सकते हैं। याद रहे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और बस लिंक के थ्रू आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम हो आप पोस्ट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द उसे सोल्व करने की। तो मिलते हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।